गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7, सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर, लेसन 15, टॉपिक हमारा है नॉन फाइनल, डेट 30। स्टूडेंट्स, हमने किया था नॉन फाइनल में जो है इन्फिनिटिव, आज हम करते हैं पार्टिसिपल। देयर आर थ्री काइंड ऑफ नॉन फाइनल। द पार्टिसिपल क्या होता है? एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन। और इन्फिनिटिव में क्या होता है? टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। और द जीरंड क्या होता है? वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। द पार्टिसिपल करते हैं। अ पार्टिसिपल इज फॉर्मड बाय अ वर्ब एंड मॉडिफाई अ नाउन और प्रोनाउन एज एन एडजेक्टिव और अ वर्ब एज एन एडवर्ब एंड द फंक्शन एज बोथ द वर्ब एंड एज एडजेक्टिव। पार्टिसिपल क्या होता है? Participle is a verb form that function as an adjective, so it is called verbal. क्या बोलते हैं हम? Verbal adjective. क्या बोलते हैं? Verbal adjective. जो participle verb और adjective की तरह work करे, उसे हम क्या बोलते हैं? Participle. क्या बोलते हैं? Verb और adjective की तरह कार्य करे, इसे हम क्या बोलते हैं? Participle. जैसे burning train. Burning train क्या? Burning मैंने जलती हुई train. बर्निंग ट्रेन क्या है? ट्रेन की क्वालिटी बताई जा रही है, तो उसे क्या बोलेंगे हम? पार्टिसिपल। आगे ब्रोकन चेयर, टूटी हुई चेयर। टूटी हुई चेयर क्या है? उसमें क्या है? उसकी एडजेक्टिव, उसकी विशेषता बताई जा रही है, वो क्या हो गया हमारा? पार्टिसिपल। और द ब्रोकन चेयर के बाद क्राइंग बेबी। क्राइंग बेबी क्या है? जो रोता हुआ बच्चा है, वो क्या है? जो उसकी बच्चे की क्वालिटी बताई जा रही है, ये क्या है? द पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब प्लस आईएनजी, एडजेक्टिव और एडवर्ब। पार्टिसिपल क्या होता है? मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या आगे लगाते हैं? आईएनजी का यूज करते हैं, एडजेक्टिव और एडवर्ब। देयर आर मेनली टू काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल। दो तरह के पार्टिसिपल होते हैं, द प्रेजेंट पार्टिसिपल और द पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? When we add ing in the first form of the verb, it becomes the present participle. जब हम किसी भी verb की first form के साथ ing का use करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? Present participle. जैसे example, go plus ing going, see plus ing seeing, speak plus ing speaking. ये क्या है? हमारे present participle. ठीक है ना? Present participle when we add ing in the form of first form of the verb. Remember, if helping verb is MR, was verb are added to this participle, then they become verbs. Without helping verb, they are called present participle. क्या होता है? Present participle. The present participle always ends ing. ये as an adjective की तरह काम करता है. Yesterday I saw a burning car. कल मैंने क्या देखी थी? एक जलती हुई कार को देखा था. ये क्या हो गया? एज एन एडजेक्टिव, बर्निंग कार, उसकी क्या होगी? विशेषता होगी. इट इज अ बोरिंग गेम. यह एक बोरिंग गेम है. ये क्या हो गया? गेम की क्या होगी? विशेषता बोरिंग है वो, तो ये क्या हो गया? एज एन एडजेक्टिव वर्ब. इन ए कॉन्टिन्यूस टेंस, हर कॉन्टिन्यूस टेंस में, जैसे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस है या फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, जो हमारा काम कंप्लीट नहीं होता, जो हमारा काम पूरा नहीं होता, उसमें जो है कंप्लीट नहीं होता. ही इज प्लेइंग हॉकी, वो हॉकी खेल रहा है. शी वॉज डूइंग हर जॉब, वह अपना जॉब कर रही थी. शी वॉज डूइंग हर जॉब. तो जो काम हमारा कंप्लीट नहीं होता, उसमें क्या हम क्या करते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं. शी वॉज डूइंग हर जॉब, ही इज प्लेइंग हॉकी. When two action happen at the same time, जब दो काम इकट्ठे किए जाते हैं, तो हम क्या यूज करते हैं? हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं. जैसे सिटिंग इन द क्लास, आई वॉज रीडिंग अ बुक. मैं क्लास में भी बैठा हुआ है, कक्षा में भी बैठा है और अपनी किताब को पढ़ रहा है. दोनों काम इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है? प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होता है. लिसनिंग म्यूजिक, ही वॉज डूइंग हिज होमवर्क. म्यूजिक सुनते सुनते वह अपना काम भी कर रहा है. ये क्या हो गया? टू एक्शन एट द सेम टाइम, दो एक्शन एक ही समय में हो रहे हैं. ये क्या, इसमें क्या यूज करेंगे हम? प्रेजेंट पार्टिसिपल, आई एन जी फॉर्म का. आगे देखिए, व्हेन वन एक्शन हैपन आफ्टर द इमीडिएट, एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन होता है, इमीडिएटली अचानक हो जाता है, उसमें भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे. ओपनिंग द डोर, द थीफ रन अवे.
दरवाजा खोलते ही चोर क्या हो गया, वहां से भाग गया। दरवाजा खोलते ही चोर भाग गया, दोनों काम एक के बाद एक काम हुआ, तो ये क्या हो गया, when one action happened after that immediately, ये क्या हो गया हमारा present participle। Use of past participle, past participle में हम क्या use करते हैं, verb की third form का use करते हैं। तो as an adjective भी work करता है past participle। I need a written statement। अमेरिका इज अ डेवलप्ड कंट्री, अमेरिका क्या है, डेवलप्ड कंट्री है, जिसमें की डेवलप के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया है। एज एन एडजेक्टिव मैंने डेवलप्ड कंट्री, एक जो है डेवलप्ड कंट्री है, इसमें अमेरिका की विशेषता बताई गई है इन परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। ही हैड रिटन द लेटर, भाई वो अपना लेटर लिख चुका था। आई हैव टॉट यू जीरन रूल्स, मैं आपको जीरन रूल्स के बारे में बता चुकी हूँ। इन सभी में क्या होता है, परफेक्ट टेंस में हमें क्या यूज करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। विद गेट, जो काम हम दूसरों से करवाते हैं उसमें हम क्या करते हैं, ये पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। आई गेट क्लॉथ, आई गेट माई क्लॉथ्स वॉश्ड, मैं अपने कपड़े क्या है, आई गेट माई क्लॉथ वॉश्ड, मैं अपने कपड़े धुलवा चुका हूँ दूसरों से, जो तो काम हम दूसरों से करवाते हैं। तो ये इसमें क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारे थे पार्टिसिपल, फर्स्ट हमने किया था, हमने इन्फिनिटिव के बारे में बताया था, अब हमने पार्टिसिपल के बारे में बताया आपको, अब नेक्स्ट हमारा होगा जिरंड। ओके स्टूडेंट्स।